आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। जाबिर अंसारी ने एक बार फिर अपने हुनर का जादू दिखाया है। पटना यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग के इस होनहार छात्र का जलवा नेपाल में देखने को मिला। नेपाल में 31 मई से 1 जून 2024 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में झाझा निवासी जाबिर ने गोल्ड मेडल जीतकर खेल प्रतिभा में अपना लोहा मनवाया है। इस प्रतियोगिता में 7 देश के खिलाड़ी भाग ले रहे थे। भारत से जाबिर अंसारी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गोल्ड जीतने पर पटना यूनिवर्सिटी में जश्न का माहौल है। जाबिर को एक्शन का सपना तो बचपन से ही था। छुप छुप कर सिनेमा देखने जाते थे। उस वक्त अक्षय कुमार और कई एक्टर की एक्शन मूवी आती थी और उन्हें देखकर जाबिर को लगता था कि ऐसा एक्शन सीखना है। लेकिन फिर उन्हें 12वीं की पढ़ाई के लिए जमुई से पटना आना पड़ा। तब पास में ही चल रहे कराटे क्लास को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। 2015 में उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर मैच खेला। जाबिर इससे पहले भी श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, तुर्की और इजिप्ट में भारत देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मेयर कप 2024 फाइनल के नाम से नेपाल में 10वीं अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों के खिलाड़ी को पछाड़ते हुए जाबिर ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर देश और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। जाबिर अंसारी कराटे में देश का जाना माना नाम है। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले जाबिर को बचपन से ही कराटे का शौक था। जाबिर ने 5 बार देश का प्रतिनिधित्व किया है। 2017 में श्रीलंका में आयोजित दक्षिण एशिया कराटे प्रतियोगिता में देश के लिए रजत पदक जीतकर उन्होंने हासिल किया था। जाबिर ने 2018 में चीन, थाईलैंड और 2019 में तुर्की के देश में प्रतिनिधित्व किया था। 2018 में इंडोनेशिया में आयोजित एशिया खेलों में भारत के संभावित कराटे खिलाड़ियों में शामिल होकर प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया था। जाबिर अंसारी पटना यूनिवर्सिटी के स्टेट लेवल कराटे चैंपियनशिप में लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, जबकि 2017 और 2019 में सिल्वर और ब्रांड मेडल जीत चुके हैं। पिछले साल ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप में जाबिर अंसारी ने 3रा स्थान लेकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में भी जाबिर अंसारी ने 4th स्थान प्राप्त किया था।